भारत वैज्ञानिकों ने और चेयरमैन ऑफ इसरो ने मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये एक प्राउड मोमेंट होने का मौका दिया है और भारत को देश विदेश में बहुत ही सम्मान की नजरों से देखा जा रहा है। 23 अगस्त 2023 ये वो दिन है जब चंद्रयान 3 ने चांद पर परचम लहराया। एक पल के लिए सभी भारतवासियों की सांसें थम सी गई थी, लेकिन इसरो की 4 साल की मेहनत चंद्रयान 3 को बनाने में जो लगी वो बेहद खूबसूरती से सफल हुई। आखिर पाकिस्तान वासी भी भारत की इस ऊंची सफलता को सराहने में मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसने चंद्रयान 2 के फेल होने पर भारत का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 2019 में फवाद अहमद हुसैन चौधरी, जो कि पाकिस्तानी राजनेता थे, उन्होंने चंद्रयान 2 की असफलता पर कहा कि भारत सिर्फ बॉलीवुड के जरिए ही चांद पर पहुंच सकता है और भारत चांद पर बस मलबा बढ़ाने का ही काम कर रहा है। और आखिर जिस देश ने कभी ऐसा कुछ किया ही ना हो, उससे उम्मीद भी क्या ही लगाई जाएगी। उनकी समझ से ये बात बाहर है कि झंडे में चांद और चांद पर झंडा होने पर धरती और आसमान का फर्क है, जो पाकिस्तान के बस में ही नहीं है। शायद यही वो खास वजह है जिसने हर पाकिस्तानी को मजबूर कर दिया है भारत की वीरता गाने पर। आज भारत ने सच में एक ऐतिहासिक मोड़ लाके खड़ा कर दिया है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब भारतीय खुद चांद पर जाके भारत का तिरंगा लहराएंगे। जय हिंद, जय भारत।